अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेकलाइंस के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही स्टाइलिश और ब्यूटीफुल आइडियाज़ हैं और बहुत ही इजीली मेकिंग आइडियाज़ हैं नेकलाइंस के। सो वीडियो को फुल वॉच करें। आपके साथ जो नेकलाइन के आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल, और इसी की मदद से आप लोग अपने लॉन के ड्रेसेस या फिर कॉटन के ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच आप लोग करवा सकती हैं। समर सीज़न में हम लोग कोशिश वैसे भी करते हैं कि हल्के फुल्के से नेकलाइंस जो हैं वो डिज़ाइन किए जाएँ, ताकि लॉन के ड्रेसेस जो हैं वो इजीली वेयर किए जा सकें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से हम लोग मुश्किल वाले और जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम नेकलाइंस होते हैं उनको वेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ डिफरेंट मैंने आप लोगों के साथ आइडियाज़ जो शेयर किए हैं वो जस्ट सिंपल हैं और स्टाइलिश भी हैं साथ साथ, तो आप लोग इनकी मदद से अपने ड्रेसेस को एक अच्छी सी लुक दे सकती हैं। आप लोग देख लेंगे यहाँ पर टेसल्स का इस्तेमाल किया गया है। डिफरेंट किस्म की एम्बेलिशमेंट्स जो होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग उनको अप्लाई करते हुए अपने ड्रेसेस को खूबसूरत सी लुक दे सकती हैं। डिफरेंट किस्म के बीड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा टेसल्स अवेलेबल हैं, आप लोग लेसेस लगा सकती हैं। इसके अलावा बटन्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के कट्स जो हैं वो आप लोग नेकलाइंस के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर आप लोग देखें लूप्स और बीड्स का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कट वर्किंग के साथ लेस का इस्तेमाल है, तो आप लोग लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में शिटी लेसेस जो हैं उसको भी अप्लाई किया जा सकता है। वाइट लेसेस बहुत ज़्यादा इन हैं, तो आप लोग वाइट लेसेस को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सो डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।